उठता है। सफा नंबर 35 पे देखिए, अब सबक जो है तो शुरू हो रहा है। सबसे पहले छावनी का मंजर सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? अरे वहां लिखा हुआ है मंजर, ध्यान नहीं है। और वही मंजर में, वही छावनी के मंजर में रात का वक्त है। कब का वक्त है? हाँ, टाइम रात का है। दो ईरानी और तौरानी, ईरान और तौरान दोनों के लश्करों के खैमे दिखाई दे रहे हैं आमने सामने। ईरान का खैमा इधर बना हुआ है, तौरान का खैमा इस सिमत में बना हुआ है। बीच में मैदान है, छावनी बनी हुई है, रात का मंजर है। हुमान बारमान हिजीर के साथ सौराब का दाखला होता है, यानी कि दोनों जो है तो सामने सामने आते हैं। देखो सौराब, सौराब कहता है क्या वाकई रुस्तम इस लश्कर में नहीं? यहाँ से ड्रामा शुरू हो गया। सौराब कह रहा है, किससे कह रहा है? उनके साथियों से, क्या वाकई रुस्तम इस लश्कर में नहीं है? सवाल किया उसने साथियों से। तो हिजीर कहता है कि मैंने ईरानी लश्कर का एक एक कोना, एक एक खैमा, एक एक सरदार का चेहरा आपको दिखा दिया, और उन सरदारों के नाम रुतबे और ओहदे से भी वाकिफ करा दिया। ताज्जुब है कि फिर भी आप मेरी सच्चाई पर शक कर रहे हैं। साथी क्या कह रहा है? हिजीर सोहराब से क्या कह रहा है कि आप मेरी बातों पर शक कर रहे हैं, कि जबकि मैंने ईरान के लश्कर का एक एक कोना, एक एक खैमा, एक एक सरदार का चेहरा आपको दिखा दिया, और उन सरदारों के नाम रुतबे ओहदे से भी आपको वाकिफ करा दिया, फिर भी आप मेरी बताई हुई बात पर मुझ पर शक कर रहे हैं। तो सौराब कहता है कि बेशक मैंने भेष बदल कर रात की तारीकी में तुम्हारे साथ ईरानी फौज का पूरी तरह जायजा लिया। कैसा? अपना भेष बदल कर, अपना हुलिया बदल कर ईरानी फौज का क्या लिया? जायजा लिया। लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मुझको तुझ पर तो नहीं बल्कि खुद पर भी यकीन नहीं है, कि मेरा दिल गवाही दे रहा है। क्या दे रहा है? कि वो जरूर यहीं कहीं मौजूद है। कौन? रुस्तम, यानी कि उसका बाप। वो यहीं कहीं मौजूद है। हिजीर, क्या ये मुमकिन नहीं कि रुस्तम को पहचानने में तुम्हारी आंखों ने गलती की हो? सौरा कह रहा है, किसे? हिजीर से कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नज़र अभी इतनी कम, सॉरी, कि ये मुमकिन नहीं कि रुस्तम को पहचानने में तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया हो। मैं तो रुस्तम को नहीं पहचानता, हो सकता है आप पहचानते हो, कि आपने, आपकी आंखों ने धोखा खा लिया हो, कि आपने उनका चेहरा बताया हो लेकिन आपने उसे ना पहचाना हो। तो हिजीर कहता है कि मैं रुस्तम को एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार देख चुका हूं। मेरी नजर अभी इतनी कमजोर नहीं कि देखी हुई सूरत को भी ना पहचान सकूं। हिजीर ने सौराब से कहा कि मैंने रुस्तम को सैकड़ों मर्तबा देखा है, कि मेरी नजर अभी इतनी कमजोर नहीं हो गई कि किसी एक चीज को देखने के बाद मैं उसका चेहरा भूल जाऊं। सौराब कहता है तो फिर तस्लीम कर लो कि वो जाबिल से ईरान की मदद के लिए नहीं आया। कि वो, आप क्या कह रहे हैं सौराब रुस्तम से, ऐसे हिजिर से, कि आप ये तस्लीम कर लो, कबूल कर लो कि वो जाबिल से, जाबिल मुकाम से ईरान की मदद के लिए नहीं आया, यानी कि फौज में अब नहीं आया, हमको कबूल कर लेना चाहिए। हुमान कहता है, ये हिजीर की बात खत्म हो गई। दूसरा साथी हुमान, मुझे जासूस से इत्तला मिली है कि रुस्तम इस जग में केकाउस की मदद के लिए आया था, लेकिन केकाउस ने सरदार सरे दरबार उसकी बेइज्जती की और वो बेइंतहा नाराजगी और गुस्से के साथ अपने मुल्क वापस चला गया। किसने खबर सुनाई? हुमान ने। क्या खबर सुनाई? कि मुझे जासूस से इत्तला मिली है कि पुराने दौर में जो है तो जितनी भी जंगें हुआ करती थी, तो हर जंग में हर सिपा सालार के पास, हर फौजी के पास जो है तो जासूस हुआ करते थे। जैसा कि आपने अर्तुगरुल सीरियल देखी होगी, उसमें जितने भी
काई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी दुश्मन कबाइल थे, तो हर कबाइलों में एक एक जासूस हुआ करता था और उनका क्या प्लानिंग होता था वो आके ये सरदार को बता दिया करता था, उसके बदले में उनको अशरफिया मिलती थी। तो इसी तरह जितने भी पुराने वाक़या, जितने भी दौर गुजरे हैं, हुकूमतें हुई है पूरी दुनिया पर हर देशों में, तो हर कबीले में एक एक जासूस हुआ करता था। तो उसी तरह से रुस्तम और सौराब, तो इनके पास भी तौरान में भी सौराब के पास भी जासूस था। तो हुमान कह रहा है कि मुझे जासूस से इत्तला मिली है कि रुस्तम इस जंग में केकाउस की मदद के लिए आया था, लेकिन क्या हुआ कि केकाउस ने सरे दरबार के सामने उसकी बेइज्जती की, उसको बुरा भला कहा, उसको डांटा, उस पर गुस्सा हुआ और वो बेइंतहा नाराज़ी और गुस्से के साथ अपने मुल्क वापस, हाँ उसकी जब बेइज्जती हुई दरबार में तो वो वहाँ से वापस चला गया। सोहराब कहता है अपने आप से, यानी कि खुद ही दिल में बातें कर रहा है, कौन बातें कर रहा है दिल ही दिल में, सोहराब, एक तरफ इनकी आवाज़ और एक तरफ दिल की आवाज़, यानी कि एक तरफ तो मेरे साथी आकर मुझे खबर दे रहे हैं, एक इनकी आवाज़ और दूसरी तरफ सौरभ कह रहा है मेरे दिल की आवाज़, किसकी आवाज़ को सच्चाई की आवाज़ समझूं, यानी कि दिल पर भरोसा करूं या साथियों पर भरोसा करूं। कि सौरभ का दिल ये कह रहा था कि रुस्तम इसी खेमे में मौजूद है, वो ईरान की फ़ौज के साथ आया हुआ था, तो सौरभ का दिल ये गवारा कर रहा था कि रुस्तम आया हुआ है, लेकिन उसके जो साथी थे हुमान हिजी तो ये क्या कह रहे थे कि वो नहीं आया है। तो अब इस पर सौराब जो है तो कंफ्यूज है, अभी कह रहा है कि मैं अपने साथियों की बात सुनूं या मेरे दिल की बात सुनूं, किस पर भरोसा करूं, किसकी आवाज़ को समझूं। हिजीर वो भी अपने आप से, अगर सौराब ने रुस्तम की जान को नुकसान पहुंचाया तो मेरे ईरान की हिफाजत कौन करेगा। अब ये जासूसी हो रही है ना, अब ये जासूसी कर रहा है हिजीर, क्या कह रहा है दिल ही दिल में क्या बातें कर रहा है कि अगर सोहराब ने रुस्तम की जान को नुकसान पहुंचाया तो मेरे ईरान की हिफाजत कौन करेगी। अब ये जासूस है, कबीले में किसके रह रहा है, सोहराब के, है ना, आदमी किसका है, रुस्तम का, रुस्तम, जबकि अब ये जुमले से क्या जाहिर हो जाता है कि रुस्तम आया हुआ है, लेकिन हिजिर उसको बता नहीं रहा, हिजिर कह रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। अब दोनों में बाप बेटों में लड़ाई होती है तो हिफाजत कौन करे, अभी उसको उसके मुल्क की पड़ी है कि ईरान मुल्क की हिफाजत कौन करेगा, नहीं सच्चाई को अंधेरे से रोशनी में ना आने दूंगा, यानी कि सच्चाई कौन सी कि रुस्तम आया हुआ है जंग के मैदान में, खेमे में हाजिर है, लेकिन ये जो उसका सौराब का साथी है हिजिर तो वो छुपा रहा है। सौराब देख हिजिर, ताजुबी अंदाज से जो ताजुबी जो जुमला वहाँ पर तहरीर किया हुआ है कि जिस तरह रात के वक्त शिकार की ताक में बैठे हुए भेड़िए की आँखें अंधेरे में चमकती है, यानी कि जब कोई शिकार करने के लिए जाता है तो भेड़िए की आंखें चमकती हुई नज़र आती है, इसी तरह क्या कह रहे हैं उससे कि इसी तरह मुझे तेरी निगाह में भी एक अजीब खौफनाक चमक दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, चमक, उसने पहचान लिया सौराब ने, अब एक अजीब खौफनाक घबराई हुई चमक दिखाई देती है, रुस्तम नहीं है। ये कहते वक्त हवा से हिलते हुए तिनके की तरह तेरे होठ कांप उठते हैं, यानी कि ये कहते हुए तेरे होठ भी कांप रहे हैं, तू डर रहा है, पीले पत्ते की तरह तेरा चेहरा जर्द हो जाता है, चेहरा कैसा हो जाता है, जर्द हो जाता है, लाल हो जाता है, ग्रेबान पकड़कर, खबरदार, उसका ग्रेबान पकड़ लेते हैं शर्ट का एक दामन और कहते हैं खबरदार मुझे धोखा ना देना, क्या कहते हैं उससे, मुझे धोखा ना देना, वरना कसम है तलवार की ये तेरे खून को मोरी में बहते हुए पानी से भी ज़्यादा अखीर समझूंगा, यानी कि जिस तरह मोरी यानी कि गंदा जो पानी बहता है जो नाली होती है तो नाली को मोरी कहा गया है, क्यों नाली में जो है तो गंदा पानी बहता है, तो मैं उस गंदे पानी बहते हुए उस अखीर गंदे पानी से भी तेरे खून को अखीर समझूंगा, है ना, यानी कि नाली में बहता हुआ पानी क्या रहता है, सबसे अखीर समझते हैं हम, सबसे गंदा समझते हैं, लेकिन सौराब कह रहा है कि अगर तूने मेरे साथ गद्दारी की, मुझे धोखा दिया, तो मैं बहते हुए नाली के पानी को जितना हम अखीर समझते हैं तो उससे ज़्यादा मैं तेरे खून को समझूंगा, है ना, तेरा खून जिस्म से बहा दूंगा। आगे बढ़, क्या कहते हैं, आगे बढ़, अब दुनिया में तेरे लिए दो ही चीज़ें रह गई हैं, कितनी चीज़ें,
दो चीज़ें बाकी है, सच्चा साबित हो गया तो तुझको क्या है, रिहाई है यानी कि आज़ादी है, और झूठा साबित हुआ तो तुझको मौत है। कहीं की छुट्टी तो दो बातें बता रहा है सौरभ के, चल आगे बढ़, अब दुनिया में तेरे लिए दो ही चीज़ें बाकी रह चुकी है, अगर सच्चाई साबित हो गया, सच्चा साबित हो गया तो तुझको रिहाई है, आज़ादी है, और अगर झूठ साबित हुआ तो तुझको क्या है, मौत है, तेरा हम सर कलम कर देंगे। हिजीर का हाथ पकड़कर खींच ले जाता है, अब सौरभ उसका हाथ पकड़ता है खींच कर, बारमान शाबाश है हिजीर को, क्या कहता है, शाबाश है हिजीर को, उसके एक झूठ ने बाप बेटे के बीच में सैकड़ों पर्दे हाइल कर दिए हैं, सैकड़ों पर्दे डाल दिए किसके बीच में, बाप और बेटे के बीच में, अब उसने क्या किया उसके साथ, हिजीर ने झूठ कहा उससे कि रुस्तम जो है तो इस यहाँ मैदान में नहीं आया है, अब हुमान क्या कहता है, लेकिन मुझे ये ना मालूम हो सका कि केकाउस के दरबार से खफा होकर चले जाने के बाद रुस्तम दोबारा केकाउस की आनत के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए किस तरह रजामंद हो गया, भरोसे के लिए किस तरह रजामंद हो गए। बारमान केकाउस नियायत गुस्सेदार जल्दबाज है, जोश कम होने के बाद उसे अपने गलती मालूम हुई, आखिर उसके इजहार नदामत है ना, नदामत से इजहार करना, आजीजी करना उसके बाद, और तूसो गौदर्ज के समझाने से रुस्तम अपना इरादा बदल देने के लिए मजबूर हो गया। हुमान अपने बादशाह अफरासियाब की आरजू पूरी करने के लिए कोशिश करो कि इस जंग के आखिर तक बाप बेटे एक दूसरे को ना पहचान सके, यानी कि ये भी इत्तला ना हो कि बाप और बेटे आपस में दोनों को पहचान ना सके, उनमें दूरियां पैदा कर दो, उनमें दुश्मनियां पैदा कर दो। तौरान की सलामती के लिए रुस्तम और सौरभ दोनों को, और दोनों को नहीं तो एक को मरना ही चाहिए, दोनों को, दोनों अगर नहीं मरे तो दोनों में से एक को ज़रूर मरना चाहिए, उसके बाद ही हमको ईरान को फ़ायदा होगा, वरना ये मिलकर सारी दुनिया को ईरान और केकाउस का गुलाम बना देंगे। लोगों में वो इतने बहादुर और ताकतवर थे रुस्तम भी और सौरभ भी, कि लोगों को, सिपाहियों को ये अंदेशा था कि ये अपनी बहादुरी के बिना पर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, और केकाउस को भी और अफरासियाब को भी जो है तो क्या करेंगे, वो गुलाम बना देंगे, ईरान को भी गुलाम बना देंगे, केकाउस को भी वो गुलाम बना देंगे, तो इसलिए दोनों में से एक को मरना ज़रूरी है, मरना चाहिए। ठीक है जाओ, अब दूसरा हिस्सा जो है तो मैदान जंग का मंजर है, लड़ाई के बाजू और मारो मारो का शोर सुनाई देता है, यानी कि एक कैफियत बताई जा रही है वाक्या शुरू होने के पहले, कि जंग का मैदान है, पूरा मंजर सामने दिखाई दे रहा है, लड़ाई के बाजू और मारो मारो का शोर सुनाई देता है। ईरान के कुछ सिपाही पनाह पनाह कहते हुए भागते नजर आते हैं, कहाँ के, ईरान के, गौदर्ज और तूस के साथ रुस्तम दाखिल होता है। अब ये नज़ारा जो है, मंजर हमको जहन में रखना है, रुस्तम किसके साथ दाखिल हुआ, गौदर्ज और तूस के, इनके साथ जो है तो हाजिर होता है, तो सबसे पहले हाजिर होने के बाद रुस्तम कहता है, शाबाश सौरभ, शाबाश, आफरीन है, मुबारकबाद है तेरी बहादुरी को, यानी तेरी बहादुरी पर हम मुबारकबाद देते हैं, तो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तौस और गौदर्ज से मैदाने जंग मेरा वतन और तलवारों की छाव मेरी आरामगाह है, कौन कह रहा है कि मैदाने जंग मेरा वतन है, मैदाने जंग को, जिस जगह जंग हो रही है उसको अपना वतन कह रहा है, और तलवारों की छाव
मेरी आरामगाह है जहाँ हम अपने घरों में रहकर चैन व सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। मेरी सारी ज़िंदगी खंजरों की चमक और खून की बारिश में बसर हुई है। काय में खंजरों की चमक में, तलवारों की, नेज़ों की, है ना, उसकी चमक में और खून की बारिश में बसर हुई है। पूरी ज़िंदगी तलवारों की चमक और बहते हुए खून में गुजरी है। ना जाने मैंने कितनों का कत्ल किया है, लेकिन मैंने आज तक मोरका का राज में इतनी बेजिगरी और इतनी बेपरवाही के साथ किसी इंसान को मौत से खेलते नहीं देखा। मोरका एक पेचीदा मौमा, जो राज है वो राज को मैं इतनी बेजिगरी के साथ और इतनी बेपरवाही के साथ किसी इंसान को मौत से खेलते हुए नहीं देखा। उसकी हैरत, नाक दिलेरी और तरीके जंग, यानी कि जंग करने का तरीका, लड़ने, दुश्मनों से लड़ने का तरीका देखकर ये मालूम होता है कि दुनिया में एक दूसरा रुस्तम पैदा हो गया है। क्या कह रहे हैं कि दुनिया में एक दूसरा रुस्तम पैदा हो गया है। अब गौदर्ज कहता है, लेकिन जिस तरह आग पर पारा अड़ जाता है, आग पर पारा अड़ जाता है, आग जलती है, इसी तरह मुकाबले के वक्त आपका नाम सुनते ही उसकी ताकत भी उसके बाजुओं से अलैदा हो जाएगी। यानी कि जिस तरह आग जलती है और आग जलने के बाद में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उस पर आग पर पारा पड़ना यानी कि राख पड़ जाती है ना अंगारों पर, तो इसी तरह क्योंकि जब राख बन जाती है तो जलना बंद हो जाता है, शोले निकलना बंद हो जाता है, तो इसी तरह से जिस तरह से आग पर राख उतर जाती है, राख बन जाती है, तो उसी तरह से गौदर्ज कह रहा है कि मुकाबले के वक्त आपका नाम सुनते ही उसकी ताकत भी उसके बाजुओं से अलहदा हो जाएगी। किसकी? रुस्तम की। तो रुस्तम, मैंने सिर्फ ईरान की मोहब्बत व फ़र्ज से मजबूर होकर इंसाफ, दयानत और अपने उसूल व शान के ख़िलाफ़ एक 16 बरस के ना तजुर्बे कार लड़के के मुकाबले में मियान से तलवार खींची है। काय के लिए? दोबारा देखिए कि मैंने सिर्फ ईरान की मोहब्बत के लिए, ईरान के फ़र्ज के खातिर मजबूर होकर इंसाफ और दयानतदारी, इंसाफ और ईमानदारी और अपने उसूल व शान के ख़िलाफ़, यानी कि उसूल व शान के ख़िलाफ़, आज से पहले रुस्तम ने कम उम्र वाले लड़कों से, कम उम्र वाले आदमियों से जंग नहीं की है। क्योंकि ये जो सौरभ है तो जिसकी उम्र 16 बरस बताई जा रही है, तो मुझे अपने शान के ख़िलाफ़ एक 16 बरस के ना तजुर्बेकार लड़के के मुकाबले में म्यान से तलवार को खींचना पड़ा है। काय के लिए? लड़ने के लिए, अपनी शान के ख़िलाफ़। रुस्तम सौरभ से लड़ना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझ रहा है। लेकिन मैं उसके सामने अपना रुतबा और नाम जाहिर नहीं करूँगा। रुस्तम कह रहा है कि मैं उसके सामने अपना रुतबा और नाम जाहिर नहीं करूँगा। जाहिर करना यानी कि बताना, क्योंकि एक कमसिन बच्चे से लड़ना रुस्तम की आबरू नहीं है, रुस्तम की इज्जत नहीं है, रुस्तम के नाम की बेइज्जती है। यानी कि मैं अगर मेरा नाम बता दूंगा सौरभ से लड़ते वक्त में, ये क्या होगा? मेरे नाम की बेइज्जती होगी कि एक इतना बड़ा बहादुर इंसान रुस्तम और जो है तो 16 साला लड़के से जो है तो जंग करने के लिए आया हुआ है, तो मेरे नाम की बेइज्जती होगी। अंदर फिर शोर होता है ना, दूसरे सिमत में शोर का आवाज़ आता है। तौस कहता है कि वो देखिए, फिर हमारा लश्कर सैलाब की तरह आगे बढ़ने के बदले किनारे से टकराकर वापस लौटती हुई लहर की तरह सिमटकर पीछे हट रहा है। यानी कि जिस तरह से दोनों फौजें आमने सामने होती है और एक फौज दूसरे पर हैवी हो जाती है ना, बहादुर ताकतवर हो जाती है, तो दूसरी फौज पीछे हटने लगती है ना, वापस हो जाती है। तो उन्होंने इसकी मिसाल दी है कि समंदर के किनारे या सैलाब का पानी जब आता है, लहर मारता है और फिर वापस
समंदर वापस चला जाता है। तो उसी तरह से वो कह रहा है, तौस कह रहा है कि हमारी फौज मुकाबला करने के लिए दुश्मन के सामने पहुंची और पहुंचने के बाद वापस आ गई। और कैसी वापस आई? जिस तरह से समंदर का पानी किनारे पर मौज मारता है, थपेड़े मारता है और वापस समंदर में चले जाता है, तो इसी तरह से जो है तो हमारी फौज ने भी किया है। अब देखिए सफ़ा नंबर 37 पे, रुस्तम जिंदगी से इतनी मोहब्बत, रुस्तम कह रहा है, क्या कह रहा है, जिंदगी से इतनी मोहब्बत, मौत का इतना खौफ, क्या ये मैदान जग में तलवार व शुजात को जलील करने आए थे? क्या ये मैदान में जंग में तलवार व शुजात को जलील करने आए थे? अपनी तलवार को जलील करना, अपनी तलवार को जलील करने आए थे, अपनी शुजात को, अपनी बहादुरी को जलील करने के लिए आए थे कि हमको जलालत का सामना करना पड़ेगा? ये किससे कह रहा है रुस्तम? अपनी फौज से, अपने फौज के सिपा सालारों से। जाओ उनसे कहो कि मायूस ना हो, रुस्तम कह रहा है कि जाओ, तौस से कह रहा है कि जाओ उनसे कहना मायूस ना हो। रुस्तम अभी, रुस्तम जिंदा है और ईरान का एक बाल भी जिंदा रहेगा, ईरान का एक बाल, उसका मर्तबा वो भी बुलंद रहेगा। गौदर्ज और तूस जाते हैं, अंदर दोबारा शोर होता है, फिर दोबारा शोर की आवाज़ आती है। इन बुजदिलों की रूह में गैरत की रोशनी बुझ गई है। कह की गैरत की, जब हम किसी से मुकाबला करते हुए पीछे आ जाते हैं तो हम लोग हमको क्या बोलते हैं कि इनकी गैरत मर गई है ना, जो है तो बहादुरी, अपनी बहादुरी मैदान में बताना चाहता और ये वापस आ गया। तो इन बुजदिलों की रूह में गैरत की रोशनी बुझ गई है, क्योंकि गैरत हर इंसान में जागती रहना चाहिए चाहे कोई भी मैदान में हो। इसलिए उन्हें फ़र्ज का रास्ता दिखाई नहीं देता कि फौज का क्या फ़र्ज है, कि बादशाह के बताए हुए अहकाम पर अमल करना चाहिए। उन्होंने ये फ़र्ज का रास्ता भूल चुके हैं, दिखाई नहीं देता ये कौन है सोहराब, सवालिया तर्जुमे, कौन है सोहराब? हाँ वही है। ये तमाम बातें कौन बता रहा है? रुस्तम। और सवाल क्या किया कि ये कौन है सोहराब, सवाल किया उसने, हाँ वही। कितना बहादुर, रुस्तम कह रहा है सोहराब को, कितना बहादुर है, कितना खूबसूरत है, देखने से आंखें रोशन हो जाती हैं। अगर ये मेरा फर्जंद होता तो आसमान की तरह आज ज़मीन पर भी दो आफ्ताब व महताब दिखाई देते, यानी एक रुस्तम और दूसरा सोहराब। अब रुस्तम ने ऐसा जुमला क्यों कहा सोहराब के लिए? क्योंकि उनको दोनों को खबर नहीं है कि हमारा ताल्लुक जो है तो बाप और बेटे का है, दोनों को मालूम नहीं है, क्योंकि वो तौस और गौदर्ज ने उनके दिल में जो है तो जहरीला बीज बो दिए थे, जो हमने पहले वाक्य में पढ़ा। और उनसे झूठ कहा था सोहराब से जाकर, क्या कहा था कि रुस्तम इस जंग के मैदान में लड़ने के लिए नहीं आया। तो रुस्तम कह रहा है सोहराब को देखकर, कितना बहादुर है, कितना खूबसूरत, देखने से आंखें रोशन हो जाती है, अगर ये मेरा फर्जंद होता, मेरा बेटा होता, तो आसमान की तरह आज ज़मीन पर भी दो आफ्ताब व महताब दिखाई देते। कितने? दो आफ्ताब, महताब यानी कि दो सूरज दिखाई देते। आहा, वो मौत की तलाश में इसी तरफ आ रहा है। रुस्तम कह रहा है किससे? तो उससे कह रहा है, गौदर्श से कह रहा है, क्योंकि उसके साथी है, और कह रहा है कि देखो सोहराब जो है तो इधर ही दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है, वापस जा सोहराब। रुस्तम कह रहा है किससे? सोहराब से, कि वापस जा, वापस जा, अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तू उनके बुढ़ापे और अरमानों पर रहम कर। रुस्तम कह रहा है सोहराब से कि मेरे तरफ मत आए बल्कि वापस जा, अगर तेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है तो उन पर रहम कर, उनके बुढ़ापे का सहारा बन और वापस जाओ, और यहाँ से जंग का मैदान छोड़कर वापस चले जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, उनके अरमानों पर रहम कर, उनके बुढ़ापे का सहारा बन। नादान, क्या कह रहे सोहराब से? नादान है तू, तू ईरान में रुस्तम से नहीं अपनी किस्मत से जंग करने आया है। कैसे जंग करने है, किसके लिए? खुद की जंग करने के लिए आया तू, रुस्तम से नहीं। सोहराब का दाखला होता है ना किसके पास? रुस्तम के करीब।
दुश्मन के सिपाहियों को भागते देखकर चेहरा आग और दिल बर्फ हो जाता है, दिल ठंडा पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। खौफ की आंधी में रेत के ज़र्रों की तरह उड़ते फिर रहे हैं, यानी कि जब आंधी आती है तो रेत के बारीक बारीक ज़र्रात जो है ना, बारीक रेती भी हवा में उड़ने लगती है, तूफान में रेती भी उड़ने लगती है, ये बड़े बड़े कंकरे भी उड़ने लगते हैं। तो इसी तरह से मैदान सौरभ का जब दाखिला होता है ना, तो दूसरे फौजी सौरभ को देखकर वो भी भागते हैं, नहीं अब जो है तो सौरभ आ चुका है। ज़र्रों की तरह उड़ते फिर रहे हैं, शायद इन बुजदिलों के अकीदे में भागने ही का नाम बहादुरी है। कि इनके अकीदे में यानी कि इनके भरोसे में क्या भागने का नाम ही बहादुरी रखा गया है। केकाउस, तेरी किस्मत के रोशन दिन की शाम आ गई है, तेरे किस्मत के रोशन दिन चमकते हुए ना, कल मेरे कदम तेरे तख्त पर और तेरा ताज मेरे कदमों में होगा। क्या कह रहे सौरभ केकाउस से, केकाउस की तरफ इशारा कर रहा है, केकाउस तो वहाँ नहीं है, कि कल मेरे कदम तेरे तख्त पर होंगे, तख्त पर आके मैं बैठूंगा क्योंकि तुझको हराने वाला हूँ, और तेरा ताज मेरे कदमों में हूँ, सर पर नहीं बल्कि मैं कदमों में रखूँगा। आगे बढ़ता है सौरभ, आगे बढ़ता है, रुस्तम उसे रोकता है, रुस्तम रोक देता है उसको वहाँ पर अंदर जाने से। रुस्तम, ठहर, इस जंग में खुद फतेह तेरी खंजर की धार, खुद फतेह तेरी खंजर की धार, और नसीब तेरे बाजुओं का जोर बन जाए, तू भी तू केकाउस तक जिंदा नहीं पहुंच सकता, केकाउस बादशाह तक तू जिंदा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका ताज तेरी उम्मीद से और उसका तख तेरी हिम्मत से बहुत ज़्यादा बुलंद है, बहुत ज़्यादा ऊंचा मर्तबा है उसका। तुझको केकाउस के पास पहुंचते पहुंचते बहुत सारे सिपाहियों का सामना करना पड़ेगा, उनसे जंग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो है तो तू केकाउस के कदम तक पहुंच पाएगा, उसका ताज उठा पाएगा। नहीं पहुंच सकता, केकाउस तक जिंदा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका ताज तेरी उम्मीद से और उसका तख्त तेरी हिम्मत से बहुत ज़्यादा बुलंद है। सौरभ कहता है कि ये चेहरा, ये जलाल, ऐ ईरानी बुजुर्ग तू कौन है? बेटे को बाप का हुलिया देखने के बाद, चेहरा देखने के बाद उसको अपना बाप का हुलिया नज़र आ रहा है कि मेरी वालिदा ने, आगे पढ़ेंगे हम, मेरी वालिदा ने, मेरी माँ ने जो हुलिया बताए थे मेरे वालिद का, तो ये आप में नज़र आता है। अब वो सौरभ जो है तो वहाँ रुक जाता है, रुस्तम का चेहरा देखता है और कहता है कि ये चेहरा और ये जलाल, जलाल लेने के गुस्सा, ऐ ईरानी बुजुर्ग, ऐ ईरान के रहने वाले बुजुर्ग तू कौन है, सवाल कर रहा है उससे, है ना सौरभ। तो रुस्तम कहता है कि ईरान का नमक खवार, मैंने ईरान का नमक खाया है, शहंशाह केकाउस का जा निसार हूँ, यानी कि शहंशाह केकाउस पर अगर दुश्मन फौज हमला करने के लिए आए तो मैं अपनी जान भी गंवा सकता हूँ, जा निसार हूँ, जान को कुर्बान करने वाला हूँ। सौरभ कहता है अपने आप से, खुद ही दिल ही दिल में बातें करता है फिर सौरभ, उसकी रुस्तम की ये बात सुनकर, कि मेरी माँ ने अपने लफ्ज़ों से मेरे दिल पर जो रुस्तम की तस्वीर खींची है, तस्वीर खींच दी है, इस जहनी तस्वीर से ये पुरअजमत चेहरा किस कदर मुशाबा है, किस कदर मुशाबा, यानी कि हूबहू दिखने वाला वैसा ही है, यानी कि जिस तरह से सौरभ के वालिदा ने अपने वालिद का चेहरा बताया था, चेहरे का हुलिया बताया था, तो सौरभ दिल ही दिल में बातें कर रहा है कि ये चेहरा जो है तो जो मेरी वालिदा ने बताया है ये हूबहू मुशाबा, यानी कि हूबहू वैसा ही। रुस्तम, मैं दुनिया की कोई अजीब चीज़ नहीं हूँ, यानी कि सौरभ जो है तो रुस्तम को देख रहा है, लगातार उसके चेहरे को देख रहा है, और दिल ही दिल में उसने ये लाइन पढ़ी, ये लाइन कही दिल ही दिल में, कि अपने आप से मेरी माँ ने अपने लफ्ज़ों से मेरे दिल पर जो रुस्तम की तस्वीर खींच दी है, इस जहनी तस्वीर से ये पुरअज़मत चेहरा किस कदर मुशाबा है, ये दिल ही दिल में कह रहा है सौरभ और रुस्तम को देख रहा है। तो रुस्तम उसको कहता है कि मैं दुनिया की कोई अजीब चीज़ नहीं हूँ, देखने की कोई ऐसी ख़ास स्पेशल चीज़ नहीं हूँ, तू मेरे चेहरे की तरफ गौर से क्या देख रहा है,
हाँ, इतना ताजुब या भरे है ना अंदाज से तू मेरे चेहरे की तरफ क्या देख रहा है सोहराब। फिर अपने आप